मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है और मैं मेंबर हूँ नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज का। ये जो कल एक वाकया हुआ है सांगड़ का, एक रहने वाला मिस्टर अजय कुमार अपनी फैमिली, बहन और अपनी माँ के साथ जब आ रहा था रास्ते में, वो सांगड़ से निकला था और रड़की के मंदिर में होके वो जब मीरपुर घोटकी क्रॉस करके मीरपुर माथेलो की तरफ जा रहे हैं, तो मीरपुर माथेलो से पहले रास्ते में एक गाड़ी थी जो उनको रास्ता नहीं दे रही थी, जिसमें उन्होंने अभी उसकी वीडियो भी आ गई है, उन्होंने जो बताया है कि हमने 3-4 दफ़ा उसको हॉर्न दिया लेकिन वो गाड़ी हमें रास्ता नहीं दे रही थी। तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से रास्ता हॉर्न दे के 3-4 दफ़ा वो अपना साइड से करके निकाल के ले आए, लेकिन वो गाड़ी उनका पीछा करते आई। और मेरे को माथेले में जब वो एक होटल पे रुके हैं तो वहाँ पर वो गाड़ी इनके पीछे दोबारा आई है, वो जो शमशेर पितापी हैं उनकी जो एक कोरे गाड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध में इस तरह का वाकया होना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और इस पे जब मैंने रब्ता किया पुलिस से, क्योंकि लास्ट टाइम जब आदेश का वाकया हुआ था तो DIG जो थे वहाँ तारिक साहब, तो उन्होंने अभी मैंने रात को उनको जब मैसेज किया तो उन्होंने बताया कि मैं कराची में आ गया हूँ ट्रांसफर होकर। तो फिर मैंने जब SSP से रब्ता किया, आज मुझे पता चला कि वो SSP घोटकी जो है तुन्यू साहब हैं, और तुन्यू के इतफाक के किसी वक्त में नवाबशाह गया था एक पुलिस स्क्रीनिंग में, तो मैंने लंच उनके साथ किया था। तो मैंने जब SSP तुन्यू साहब के साथ रब्ता किया तो उन्होंने मुझे पूरा डिटेल भेजा है और उसमें सारा पुलिस की तरफ से ये लिखा हुआ है कि ये ओवरटेक पे झगड़ा हुआ है। तो ओवरटेक करना एक मतलब जो रास्ता नहीं दे रहा था, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने फिर जब वो होटल पे पहुंचे हैं तो उनकी फैमिली के सामने उनकी माँ बहन जब उनको हाथ जोड़ रही हैं, दुपट्टा उनके पाँव पे रख रही हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने लोग हथियारों के साथ बुलवाए शहर में से, क्योंकि उस गाड़ी में सिर्फ वो 2 लोग थे, तो अपने जो हथियारों के साथ लोग बुलवा के इसकी गाड़ी के इसके शीशे तोड़े हैं और इसको धमकियां दी हैं कि मैं देखता हूं तुम कैसे जिंदा मीरपुर माथेले से जाते हो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक खौफ और हिरास इससे पैदा हो गया हिंदू कम्युनिटी में।